नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तेजस्वी, पल्लवी, हर्ष, दिशा, आप सभी को बच्चे प्यार भरा गुड इवनिंग है। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं SBI क्लर्क और सूरत कोऑपरेटिव बैंक का आपने एक फॉर्म भरा है, तो उन सबके लिए हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर की साथियों। और बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आवाज आ ही रहा होगा सुनना, और बहुत बेहतरीन न्यूज है साथियों। विच स्टेट गवर्नमेंट, साथियों आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा वो राज्य सरकार है, कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने साथियों एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। नाम से मालूम चलता है कि भाई ये जो स्कीम है वो हेल्थ रिलेटेड है, जिसका नाम बता रहे हैं थर्ड फेज लॉन्च किया है। थर्ड फेज ऑफ फ्लैगशिप यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब साथियों वो इस स्टेट के लिए भी लागू होगा, और साथ ही साथ वो किसी अदर स्टेट में भी जाके हेल्थ फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वहां भी लागू होगा। यानी कि उस राज्य के लिए वो यूनिवर्सल स्कीम है जिसका नाम आप बता रहे हैं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। जस्ट लाइक साथियों, अगर मैं बात करूं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नाम सुना होगा जिसको कई बार आप आयुष्मान भारत मिशन के भी नाम से जानते हैं साथियों। आयुष्मान भारत मिशन के भी नाम से जानते हो, आयुष्मान भारत मिशन के कई बार नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के भी नाम से जानते हो, जिसके तहत मैं बात करूं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत साथियों, तो राज्य में 5 लाख तक का, कितना साथियों, 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा मिलती है। और वहीं पे अगर कोई महिला है, वुमेन है, तो उसको 10 लाख तक का कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। और बिल्कुल साथियों बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कहां पे, ओडिशा में। और अक्षय में बता दूं साथियों, याद रखना किस राज्य ने अपने राज्य में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू किया है जिसका थर्ड फेज लॉन्च हुआ है। साथियों जैसे आप आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड आपको मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है, वैसे ही बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत नवीन कार्ड दिया जाता है साथियों, जिस कार्ड का बेनिफिट आपको 5 लाख से 10 लाख मिलता है। तो हो सके आपसे यह भी प्रश्न पूछे कि भाई ये नवीन कार्ड किस राज्य से संबंधित है साथियों, तो याद रखना नवीन जो कार्ड है वो ओडिशा के कौन से स्कीम से, तो याद रखना बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत है, कार्ड का नाम याद रखिए। लेकिन इसमें कौन से लोग शामिल नहीं होंगे, जो ओडिशा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उन पे लागू नहीं होगा। साथ ही साथ जो लोग इनकम टैक्स भरते होंगे उन पे भी लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए है। नॉर्मल केस में साथियों ये 5 लाख तक का रुपए प्रोवाइड करते हैं, और महिला मेंबर है तो उसको 10 लाख रुपए तक का ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। Who is the present director general of Bureau of Indian Standard? बहुत important संस्था साथियों, कौन, Bureau of Indian Standard, नाम से मालूम चलता है। कई बार आप सामान खरीदने जाते होंगे दोस्तों तो कहते होंगे हॉलमार्क है क्या, कई बार आप देखते होंगे ना ऐसा कुछ हॉलमार्क पड़ा रहता है, कई बार आप देखते होंगे कि हॉलमार्क पड़ा रहता है ऐसे, चाहे वो आप गोल्ड खरीदें क्या कोई भी वस्तु खरीदें, तो ये हॉलमार्क पड़ने से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो शो की जाती है, और साथ ही साथ लोगों का विश्वास, किसी भी कस्टमर का विश्वास उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ जाता है भाई। तो ये हॉलमार्किंग करने का काम कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड संस्था है साथियों, और इसी के अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या उनका नाम विवेक जैन है, प्रमोद कुमार तिवारी है, आशीष त्रिपाठी है साथियों, ममता उपाध्याय है, अजय कुमार शर्मा है। बहुत बेहतरीन, 1986 से साथियों ये काम कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जिसके डायरेक्टर जनरल के तौर पे हाल ही में किस व्यक्ति को चुना गया है, प्रमोद कुमार तिवारी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साथियों कब से काम कर रहा है, 1986 से काम कर रहा है, हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, बोलते रहिए साथ साथ पढ़ते रहिए, प्रमोद कुमार तिवारी साथियों।
बहुत लल्लन टॉप न्यूज है साथियों, अनेकों बार मल्टीपल टाइम आप सुनते होंगे IRDAI के बारे में, IRDAI के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। किसको साथियों, किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, जिसका अगर बात किया जाए कानून 1999 का एक्ट लगता है। बस आपसे पूछ रहा है कि IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने के लिए इनमें से कौन सी कमिटी का गठन किया गया था हाल ही के परीक्षा में। साथियों SBI की बात करें और RBI असिस्टेंट की बात करें, कई सारे कमिटियों का नाम दे दिया, मैच ऑफ द फॉलोइंग में करेक्ट आपसे पूछ लिया गया था। साथियों अगर आपने में से किसी ने RBI असिस्टेंट का पेपर दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा। साथियों सुनते रहना, केलकर कमिटी बहुत फेमस है, आप में से कुछ कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे केलकर कमिटी मेनली किसके रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, टैक्स रिफॉर्म के लिए। कई बार टैक्स नहीं दिया होगा तो GST रिफॉर्म के लिए सबसे पहली बार कौन सी कमिटी बनी थी, केलकर कमिटी। अरविंद पंगड़िया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज साथियों, आप बहुत इनका नाम रट लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा चलो IRDA आ गया, लेकिन इससे ज्यादा अभी वजन का जो नाम है अरविंद पंगड़िया। क्यों साथियों, आप सभी जानते होंगे हमारे जो संविधान है, बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 280, और 280 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है साथियों। और फाइनेंस कमीशन जो लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से 16वां फाइनेंस कमीशन की गठन कर दी गई है, 16th फाइनेंस कमीशन की। और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे आप किनको देख रहे हैं, अरविंद पंगड़िया। कई बार प्रश्न पूछा फाइनेंस कमीशन को लेके, फाइनेंस कमीशन का प्रेजेंट अभी कौन सा चल रहा है साथियों, अभी 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को, और 1 अप्रैल 2025 से कौन सा शुरू होगा, 16वें के कौन बने, अरविंद पंगड़िया, 15वें के कौन है, एनके सिंह। नरसिम्हन कमिटी तो साथियों हम कई बार सुने हैं यार, नरसिम्हन कमिटी क्यों फेमस है, बैंकिंग किसके लिए साथियों, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। अब नाम एक ही बच गया, मल्होत्रा कमिटी। साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा मल्होत्रा कमिटी किससे जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले 1991 में एक जो कमिटी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उन्होंने ही इंश्योरेंस के फील्ड में कई सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। और आपको मालूम होगा 1 सितंबर 1956 को LIC ने जन्म लिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और 1999 तक ये गवर्नमेंट की कंपनी, अब राज की भारत के इंडस्ट्रीज में। 2000 के बाद क्यों प्राइवेट इंश्योरेंस इतना आने लगा, क्योंकि इनके रेगुलेटर का जन्म हुआ 2000 में साथियों, और किसके कहने पे हुआ था, ये मल्होत्रा कमिटी बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मल्होत्रा कमिटी किसकी गठन के लेके बात करते हैं, IRDAI को। नरसिम्हन कमिटी किससे जुड़े हुए हैं, बैंकिंग रिफॉर्म को लेके। एनके सिंह बच्चे पूछा जाए अब क्या है मौजूदा समय में, तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। अरविंद पंगड़िया भी क्यों न्यूज में थे, क्योंकि 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और केलकर कमिटी क्यों है साथियों, तो बताना मेरे प्यारे साथियों, टैक्स रिफॉर्म के लिए इनका नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न देखना, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल चीफ, पहली महिला अधिकारी साथियों, पहली महिला अधिकारी का नाम बताना, जो सेंट्रल साथियों इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की चेयरमैन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक कोई महिला CISF के पद पर बड़े अधिकारी के तौर पे नहीं बैठी थी। फर्स्ट टाइम भारत के हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है साथियों कि कोई महिला सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की चीफ बनने जा रही है साथियों। आपको मैं बता दूं ये किसके तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करता है। एक बात याद रख लीजिए, भारत की जितनी भी सिक्योरिटी आप देखोगे ना एजेंसी ना साथियों, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी देखोगे उन सबका बॉस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रिया बता रहे हैं और रुचिर मेरे भाई बता रहे हैं नीना सिंह। साथियों मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ चलना चाहूंगा, यस साथियों पूछा जाए
CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए चीफ कौन बने हैं या पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो नीना सिंह, बिल्कुल दिशा, पल्लवी, प्रिया, रुचिर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत साथियों जवाब दे रहे हो। कब से संस्था काम कर रहा है? 1969 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पहली महिला चीफ कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। इन विच ईयर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड? इनमें से किस साल साथियों WTO का गठन किया गया था? आपको मालूम होगा कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दुनिया की स्थिति बहुत खराब थी। 1945 में ही यूनाइटेड नेशन, किसका साथी हो? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? जन्म हुआ 1945 में ही। उसके कुछ सालों बाद आप देखोगे 1945 में ही वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। 1944 में, माफी चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक कब आया है? 1944 में। ये 1945 में IMF आया है और 1944 में कौन आया है? वर्ल्ड बैंक आया है। और इसके कुछ समय बाद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यानी कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए 1948 में एक संस्था लेके आया है GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या साथी हो? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ नाम की संस्था लेके आए। लेकिन आगे चल के इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जिसको 1995 में, साथी हो, 1995 में इसी गेट का नाम यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का नाम बदल के आज के समय में आप किस नाम से जानते हो? WTO के नाम से जानते हो। कई बार पेपर में आए दिन पूछते रहते हैं, भाई WTO का पुराना नाम तो याद रखना गेट। कब से काम कर रहा है? 1948 से काम कर रहा है। जिसका अगर मुख्यालय की बात करूं, हेडक्वार्टर की बात करूं, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक सिटी में है साथियों। और मैं बता दूं, पहली इसकी फीमेल चेयरमैन की बात करोगे तो नागोजी ओकुंजा इवाला इसका क्या है, इसके मौजूदा समय में साथियों डायरेक्टर जनरल है। तो यस साथियों, 1995 में इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की बात करता हूं, सुनना। व्हाट हैज द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन रीनेम द रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन? हाल ही में कुल मिला के यूपी के साथियों, क्या उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अयोध्या जंक्शन, इसका नाम बदल के क्या किया गया है? आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है, सरल है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग खर्च करना नहीं है। अयोध्या धाम किया गया है साथियों, श्री राम जंक्शन किया गया है, या राम नगरी किया गया है, या इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। बैंकर ने बता रहे हैं अयोध्या धाम पे जवाब ठोक दीजिए। दिशा भी बिल्कुल बता रही है कि सर पहला जवाब को लॉक किया जाए, और पल्लवी बता रही है ये। यस साथियों, याद रखना, अयोध्या जंक्शन का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, आने वाले समय में पूछा जाए तो बिल्कुल निडर होके साथियों जवाब देना है। बहुत बेहतरीन। एनीमिया नाम के बीमारी को दूर करने के लिए साथियों एक कैंपिंग चला है जिसका नाम है सांस। पूछा जाएगा सांस किससे जुड़ा हुआ है साथियों? तो माफ करना है, अगर नेमोनिया ही साथियों, क्या नेमोनिया नाम के बीमारी जनरली बच्चे इसमें, बच्चों को शुरुआती में ही जन्म के दौरान क्या हो जाता है, ठंड लगने की वजह से कई बार उनकी तबीयत खराब होते रहती है, और वो शुरुआत से ही अगर माँ बाप केयर करे तो ये चीज फैलती नहीं है, या अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो सांस क्या है? तो एक प्रकार का कैंपिंग है। बस आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में, स्टेट में ये कैंपिंग शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम या मणिपुर? अक्षय बता रहे हैं और बैंकर बता रहे हैं कि सर मणिपुर में इसको लॉक किया जाए। और यस साथियों, मैं बता दूं, सांस जिसका फुल फॉर्म क्या बता रहे हो साथियों? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपिंग 2023-24 में कौन चला रहा है साथियों? मणिपुर चला रहा है। बहुत बढ़िया न्यूज है। साथ ही साथ साथियों आपको मैं बता दूं, एक सेंटर भी लेके आ रहे हैं JNIMS। पूछा जाएगा किस राज्य में हाल ही में साथियों कौन सा सेंटर जवाहरलाल नेहरू, क्या साथियों
जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नाम का सेंटर किस राज्य में लेके आया गया है? तो मणिपुर में, मेरे प्यारे साथियों, बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली कंफेयर विद द टाइटल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फेलोशिप किताब। इनमें से किस व्यक्ति को ISAE का टाइटल मिला है? बच्चे, उपाधि मिली है। क्या मिली है? उपाधि मिली है साथियों। सर, ये उपाधि का मतलब क्या है कि उनको एक डेजिग्नेशन मिला है एग्रीकल्चर के फील्ड में अतुलनीय काम करने के, एक्सीलेंस काम करने के लिए। क्यों साथियों? जो भी वो व्यक्ति हैं, सुनते रहना, जो भी वो व्यक्ति हैं, लगभग 30 सालों से 3 decades से वो एग्रीकल्चर रिसर्च में, क्या साथियों, एग्रीकल्चर रिसर्च में। साथ ही साथ मैं बता दूं, एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ मैं बता दूं साथियों, एग्रीकल्चर के फील्ड में अलग अलग पॉलिसीज को बनाने के लिए, अलग अलग पॉलिसीज को बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। साथियों, ये संस्था है जिसका नाम है ISAE, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, अपना टाइटल देता है। और केरला की पहली महिला बनी है साथियों, कौन? पी इंदिरा देवी। कौन साथियों? पी इंदिरा देवी, जिनको हाल ही में ISAE फेलोशिप का क्या मिला है? किताब मिला है। सर, ये ISAE किसके अंडर में काम करता है? तो याद रखना, ICAR के तहत काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत काम करता है। जो बात बताया साथी, वही बात यहां पे लिखी है कि केरला विश्वविद्यालय की पहली प्रोफेसर बनी है या पहली महिला बनी है पी इंदिरा देवी, को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि पाने वाली केरल की क्या है, पहली व्यक्ति के तौर पे आप देख सकते हैं। यह उपाधि कब की दिया जाता है साथियों? जब कोई व्यक्ति कृषि के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दे, जब कोई व्यक्ति कृषि के फील्ड में अलग अलग पॉलिसी को बढ़ावा दे, जब कोई व्यक्ति कृषि के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में शिक्षा को बढ़ावा दे। और लगभग कितने दशकों से, तीन दशक यानी कि 30 साल से साथियों ये काम कर रहे थे। तो यह साथियों आपको बताना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगला प्रश्न देखना साथियों, बहुत बेहतरीन न्यूज। Which of the following is not the fully owned subsidiary of Reserve Bank of India? इन 5 ऑप्शनों में से कौन, किसमें RBI 100% ओनर नहीं है? इनमें से किस संस्था में से RBI 100% ओनर नहीं है, मेरे प्यारे साथियों? किसमें 100% ऑनर नहीं है साथियों? आपको तो ये मालूम होगा, कई बार फुल फॉर्म से भी संस्था पूछ लेते हैं, जिसमें से मैं कहूंगा हमेशा आप याद करके रखिए DICGC को, जो कि 1978 से काम कर रहा साथियों। और ये बैंक कॉमर्शियल बैंकों का क्या करता है? इंश्योरेंस करता है। और कोई बैंक डूब जाए, मर्ज हो जाए, RBI उनका लाइसेंस कैंसिल कर दे, तो डिपॉजिटरों को मैक्सिमम कितने लाख रुपए वापस करने का दावा करता है? 5 लाख। साथियों, REBIT ये भी क्या करता है, RBI इसमें 100% क्या है, ऑनर है साथियों, और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। साथियों, मैं बता दूं, IFTAS यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विस, ये भी 2015 से काम कर रहा है साथियों, और इसमें भी RBI 100% ऑनर है। REBIT साथियों, ये कब से, 2016 से काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये तो 1995 से काम कर रही है साथियों, 95 में बात हुई थी, 96 से काम करने लगा। भारत में नोट प्रिंट करने का काम दो जगहों पे करता है साथियों, अगर आपको याद हो, जिसमें से एक का नाम वेस्ट बंगाल का सालबोनी साथियों, कहां पे, सालबोनी में नोट प्रिंट किए जाते हैं, जो RBI के अंडर में आता है। और एक आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, कहां पे,
देवास तो गवर्नमेंट के अंदर है, महाराष्ट्र का नासिक किसके अंडर में है साथियों, हाँ कर्नाटका के मैसूर, कर्नाटका के मैसूर में साथियों नोट प्रिंट किया जाता है और इसमें भी आरबीआई 100% मालिक है। जबकि आप बात करेंगे सिडबी की साथियों, जबकि आप बात करेंगे सिडबी की तो ये 1990 से काम कर रहा है और जिसमें सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लगभग कितने परसेंट का, 20% का। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथियों तकरीबन 15% का मालिक है। तो सिडबी में आरबीआई का कोई रोल नहीं है साथियों, और आपसे यही पूछा था कि आरबीआई कहां पे 100% ऑनरशिप नहीं है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है। अगली बात करता हूं, Who has been appointed as the new chairman of Kotak Mahindra Bank? साथी वो आपसे पूछा है, Kotak Mahindra जो बैंक के नए चेयरमैन साहब बने, अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम बता दीजिए। साथी वो आपको मैं बता दूं, ये 1985 से उदय कोटक के द्वारा, किसके साथी हो, उदय कोटक नाम के व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था एज अ एनबीएफसी के तौर पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे। और आपको मैं बता दूं, जब मॉडर्न बैंकिंग आप पढ़ेंगे, मॉडर्न बैंकिंग यानी कि 1991 के बाद शुरू हुआ, और जब सेकेंड टाइम लाइसेंस आया, प्रक्रिया ही ऑन टैप लाइसेंस मंगाने जाने लगा, तो दो बैंकों को लाइसेंस मिला था जिसमें से एक यस बैंक था और एक कोटक महिंद्रा बैंक था। तो 1985 से काम तो कर रहा है, किस तौर पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के तौर पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बैंक के रूप में कब से काम कर रहा साथी हो, तो 2003 से यह काम कर रहा है, और इसी के चेयरमैन के तौर पे किसने ग्रीन सिग्नल दे दिया साथी हो, पूछा जाए प्राइवेट बैंकों में चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट करता है साथी हो, तो आप बताना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपॉइंटमेंट कौन देता है साथी हो, तो याद रखना एसीसी कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो आरबीआई ने बच्चे किनको, सीएस रंजन को कितने सालों के लिए साथियों, कितने यस और यस बैंकर मेरे भाई, कितने सालों के लिए साथियों, 2 सालों के लिए बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने सालों के लिए, तो याद रखना 2 सालों के लिए। कई बार साथियों साल पूछ लेते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, सीएस रंजन है, जो कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन बने हैं, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। 1985 से काम कर रहा, लेकिन 2003 से ये बैंक बन गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो दीपक गुप्ता है साथियों, ठीक है। अगली बात करता हूं, द लोन गिवन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक, साथियों सुन लेना साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है वो जो लोन देते हैं उनका टेन्योर क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, मीडियम टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, या 1 और 2, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रहता है, या नॉन ऑफ द अबव। अबे यार सही तो बोल रहे थे, क्यों एमडी आज सही थे वो बैंकर, कुछ डिलीट विलीट मत करो। हाँ बच्चे, लैंड डेवलपमेंट बैंकर साथियों, मैं बता दूं लैंड डेवलपमेंट बैंक एक प्रकार के वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक साथियों, इन्होंने लाइसेंस लेने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत साथियों ये क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जनरली आप देखोगे ये रीजनल एरिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और साथियों मैं बता दूं ये लोग भी इंडिविजुअल डील नहीं करते हैं। जब ये लोन देते हैं साथियों तो उनका जो नेचर रहता है लॉन्ग टर्म रहता है। सर ये लॉन्ग टर्म नेचर वाले लोन क्या रहते हैं, तो दोस्तों ऐसा लोन सुन लेना, ऐसा लोन जो कि मोर देन क्या साथियों, मोर देन 1 ईयर का टेन्योर हो, 1 साल की अवधि वाले को जनरली हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर की साथियों हम बात कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म देते हैं साथियों। अगली प्रश्न की बात करता हूं सुनना, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर बाय LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे, इनमें से किस व्यक्ति को दोस्तों चुना गया है। साथ ही साथ ये बताइए, तब तक मैं कुछ बेसिक फैक्ट आपको बात कर लेता हूं।
आप सभी जानते हैं कि साथियों पहले 1956 से पहले भारत में 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थी भाई, और पूरा दबदबा बना के रखा था प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। और भारत सरकार ने बचे एक निर्णय लिया, LIC एक्ट पास किया 1956, और उस एक्ट के बिहाफ पे साथियों 1 सितंबर 1956 को लगभग 245 कंपनियों को एक साथ क्या किया गया, मर्ज किया गया, और एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम है LIC साथियों, जिसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई में है। और सिद्धार्थ मोहंती साथियों चेयरमैन पूछा जाए तो कौन है, सिद्धार्थ मोहंती इसके क्या है, चेयरमैन है। अब इसी संस्था में चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे मैं देख पा रहा हूं दिशा हो गए, बैंकर हो गए, अभी हो गए, पल्लवी हो गए, हर्ष हो गए, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोग दे रहे हैं। एस सुंदर कृष्णा को पूछा जाए, एस सुंदर कृष्णा इनमें से किस संस्था के चीफ रिस्क ऑफिसर बने, LIC के बने, SBI के बने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के बने हैं, या गवर्नमेंट के अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में साथी हो, तो चुकना मत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे आप इनको देख सकते हैं। सुनना बहुत खूबसूरत क्वेश्चन साथी हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इनमें से कौन सा वो कोड है साथियों जिसका यूज करके आप इंडिया से बाहर, आप भारत से बाहर साथियों, आप इंडिया से बाहर साथियों, क्या आउटसाइड इंडिया बाहर पैसा भेज सकते हैं, बाहर पैसा भेज सकते हैं, इनमें से क्या RTGS साथियों, याद रखना साथियों RTGS कब आया था, 2004 में आया था। इसको कौन चलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है साथियों। ये विद इन अ कंट्री, क्या पूछा जाए RTGS का यूज करके हम आउटसाइड इंडिया पैसा भेज सकते हैं, जवाब है ना विद इन अ कंट्री साथियों, विद इन अ कंट्री यानी कि अपने देश के अंदर ही हम एक राज्य से दूसरे राज्य, एक सिटी से दूसरे सिटी में पैसा भेज सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको कौन चलाता है, NPCI नहीं चलाता है, खुद RBI इसको चलाता है। मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, आपको मालूम ही होगा अगर RTGS का यूज करना है तो। NEFT साथियों जस्ट इसके एक साल बाद यानी कि 2005 में आया था, और मैं आपको बता दूं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इस बार के पेपर हुआ था, कोई शायद SBI PO था या SBI का कोई अदर पेपर होगा, उसमें पूछा था कि NEFT का यूज करके हम एक देश में पैसा भेज सकते, कहां, नेपाल, और स्कीम का नाम अगर आपको याद हो तो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। आपको मालूम होगा साथियों आप एक टाइम में 2 लाख रुपए भेज सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, और ऑफलाइन भेज रहे हैं तो 50,000 रुपए। सुनना साथियों स्विफ्ट कोड की बात करता हूं, ये 1974 में कई सारे देशों ने मिलकर लाए थे, सोसाइटी फॉर, क्या साथियों, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, फिर से मैं बोलता हूं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकॉम फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। साथियों मैं बता दूं ये 8 से 11 डिजिट का कोड होता है, और स्विफ्ट कोड का यूज करके हम बाहर, भारत से बाहर किसी अदर कंट्री में पैसा भेज सकते हैं साथियों, बिल्कुल बैंकर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, कई बार फुल फॉर्म साथियों पूछा जाता है। जब इतना आप समझ गए हैं तो याद रखना जो 4 डिजिट होते हैं स्टार्टिंग के वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं साथियों वो कंट्री कोड होते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो लोकेशन कोड होते हैं, और ऑप्शनल में 3 कोड होते हैं साथियों, ऑप्शनल में 3 कोड होते हैं, और ये 3 कोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, ब्रांच को। तो पहले 4 बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कंट्री कोड, फिर लोकेशन, और 3 ऑप्शनल रहते हैं जो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। अगली बात करता हूं साथियों, इन विच स्टेट, इनमें से किस राज्य में मेरे प्यारे साथियों
कार्बी यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाने वाला है, जनवरी 17 जनवरी से होने वाला है। साथियों कौन से राज्य में कार्बी यूथ फेस्टिवल होने वाला है, जो कि एक प्रकार का सांस्कृतिक फेस्टिवल है, एक प्रकार का साथियों कल्चरल फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में लोग, आपको मैं बता दूं, कई प्रकार के डांस को प्रदर्शित करते हैं, अपने खान पान को, अपने फूड को प्रदर्शित करते हैं, अपने अलग अलग टाइप के जो भी कल्चर होंगे यार एक्सेट्रा जो भी करते होंगे साथियों करते हैं। बस आप इस क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये कार्बी यूथ फेस्टिवल में हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए पहुंच रही हैं। कहां पे? मेघालय में नहीं पहुंच रही हैं साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, गुजरात में भी नहीं पहुंच रही हैं मेरे प्यारे साथियों। यस पल्लवी थोड़ा सा नजदीक पहुंच गई हो, लेकिन बैंकर ने बिल्कुल उस नजदीक वाले पॉइंट को भी टच कर दिया है। साथियों मेरे बताना, असम में किस राज्य में कार्बी यूथ फेस्टिवल जनवरी 2024 में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है? तो असम में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है साथियों। कहां पे? असम में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम में कार्बी आंगलोंग जिला, बच्चे कार्बी आंगलोंग याद रखिए, असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट असम का क्या है? कार्बी आंगलोंग। और इसी जिले में कौन सा फेस्टिवल होने जा रहा है? कार्बी युवा महोत्सव। और इसी महोत्सव में पार्टिसिपेट लेने कौन जा रही है? द्रौपदी मुर्मू। इसके सिवा सुनना, असम के राज्यपाल कौन? गुलाब चंद्र कटारिया भी पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे। मेघालय के भी राज्यपाल जिनका नाम है फागु चौहान, ये भी पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। नागालैंड के राज्यपाल साहब है ला गणेशन, ये भी पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही साथ मेघालय के बच्चे कोनार्ड संगमा भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत, आप कहिए, पॉलिटिकल को लेके, कल्चरल को लेके बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कार्बी युवा फेस्टिवल। और याद रखना साथियों, ये एनुअल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगली बात करता हूं साथियों, हमारे फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया हैज विटनेस टू सर्ज, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व साथियों, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना यानी कि किसी देश के लिए बच्चे बहुत ही गोल्डन बात है। फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना यानी कि आप कहिए कि उस देश में डॉलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, भविष्य के लिए हम ढेर सारा पैसा सेव करके रख रहे हैं, भगवान ना करे कभी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो वो उस पैसे से उस कंट्री की इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करता है साथियों? हर एक देश का सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है, याद रखिए, हर एक देश का सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। तो हमारे देश का सर सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है साथियों। और इसी फॉरेक्स रिजर्व में कितना बिलियन डॉलर से बढ़ा है? 4.471, ये भी पॉइंट याद रखिए। बढ़ के कितना अभी हो गया है आपको ये बताना है साथियों, बढ़ के कितना हो गया? सुनना एक बात याद और रखिए, सर फॉरेक्स रिजर्व में होते क्या हैं, होता क्या है? तो एक तो याद रखना साथियों, इस फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड भी होता है, लेकिन इस गोल्ड को हम कन्वर्ट करके एज अ किस तौर पे देखते हैं? डॉलर के फॉर्म में देखते हैं। साथियों अलग अलग कंट्रियों की क्या रहती है? करेंसी रहती है, लेकिन उन सभी कंट्रियों के करेंसी को एज अ कन्वर्ट करके हम किस में देखते हैं? डॉलर में देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साथियों, एक आईएमएफ का एक करेंसी भी है जिसको आप बास्केट ऑफ करेंसी पेपर गोल्ड के भी नाम से जानते हैं, एसडीआर, मल्टीपल टाइम फुल फॉर्म पूछा है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। यस बैंकर, मैं देख पा रहा हूं आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। और एक और लास्ट चौथा याद रखिए, आरबीआई ट्रांच पोजीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांच पोजीशन विथ आईएमएफ, ये चार चीजें रहती हैं साथियों। कई बार पीओ के पेपर में पूछ लेते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में इनमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं साथियों। और मैं बता दूं 4.4 बिलियन डॉलर से बढ़ के, मैं देख पा रहा हूं मेरे काफी सारे काबिल दोस्त हैं, बैंकर हो गए, विवेक हो गए, पल्लवी हो गए, बहुत बढ़िया।
बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दे रहे हैं दोस्तों, कितना हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया साथियों, 620.441 बिलियन डॉलर। आरबीआई खिला देगा 5 से 6 महीने पूरे भारतीयों को बैठा के इतने पैसे में, समझ लो इतना बड़ा जहाज भर भर के पैसा हो गया। अगली बात करता हूं साथियों, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की बात हो रही है, और सेबी सर हमारे देश में कितनी जगहों को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, और एक बात और याद रख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को भी कौन करता है, सेबी। बस इसका एक गाइडलाइन आया है, गाइडलाइन सुनना मेरे दोस्तों, क्या बता रहे बैंक, आस्क इन आरबीआई ग्रेड बी, अच्छा 2022 के पेपर में पूछा होगा साथियों। सेबी ने एक गाइडलाइन पास किया है और उस गाइडलाइन को डेट बढ़ा दिया है। जैसे आप बैंकिंग अम्बुड्समैन देखते हैं कि बैंक और बैंक के कस्टमर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो हम वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, वैसे ही आपने किसी कंपनी से शेयर खरीदा है और किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाए तो आप अपनी कंप्लेन को कहां पे दर्ज करा सकते हैं, स्कोर्स नाम के पोर्टल पे। कई बार पूछा गया है कि स्कोर्स किसका पोर्टल है, सेबी का। यहां पे क्या होता है बच्चे, इन्वेस्टर अपनी शिकायत, क्या साथियों, शिकायत दर्ज कर सकता है, क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ जो भी ब्रोकर का काम करते हैं वो लोग अलग से एक पोर्टल चलाते हैं जिसका नाम है साथियों ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल। तो इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है, एक साथ लिंक कर देना है। और वो डेट कब से दिया है, 4 दिसंबर 2023 से शुरुआत हो गया है, और कब तक इन दोनों पोर्टलों को हर एक कंपनी बच्चे क्या करेगी, लिंक करवा देगी। तो स्कोर पोर्टल के साथ अलग अलग कंपनियां जो भी अपने कस्टमर के शिकायत को सुनने के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल चलाती हैं, वो कब तक कंप्लीट कर देंगी। मैं देख पा रहा हूं बैंकर हो गए, दिशा हो गए, पल्लवी, बिल्कुल साथी हो, 1 अप्रैल 2024 आपका सही जवाब है। बच्चे प्लीज आप सब लोग स्कोर का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल। साथ ही अलग से कंपनियां कौन सा पोर्टल चलाती है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल। अब इन दोनों को एक किया जा रहा है, ये बातें आप ध्यान रखिए। अगली बात करता हूं साथियों, सुनना ध्यान से, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ स्कीम सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइड मुद्रा लोन अप टू बच्चे कितने लाख तक का मैक्सिमम लोन देते हैं, और वो लोन क्या होता है, नॉन फार्म इनकम जनरेशन एक्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज का। कुल मिला के मुद्रा में भाई मैक्सिमम कितने तक का लोन दिया जाता है। सर ये पुराना न्यूज क्यों ले लिए हो, तो दोस्तों मैं बता दूं ये पुराना न्यूज नहीं है, आज ही मॉर्निंग में इसका एक स्टेटमेंट आया भारत सरकार की तरफ से साथियों। मैं आपको बता दूं मुद्रा योजना के तहत हाईएस्ट रिकॉर्ड मार्जिन के साथ साथियों, ये जनवरी का आज का दिन साथियों 2 तारीख बना है, और 3 लाख करोड़ रुपए, कितने साथियों, 3 लाख करोड़ रुपए लोन के तौर पे, क्या, लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, आज का ये न्यूज है, मैं आपको बता दूं साथियों। और मैक्सिमम कितने तक का लोन देता है साथियों, 10 लाख तक का लोन देता है। मिनिमम अगर आपसे पूछे तो बताना शिशु के तहत 50,000 रुपए का लोन देता है, किशोर के तहत 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन देता है, और तरुण के तहत साथियों 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन देता है, यानी कि 3 तरह के लोन देता है शिशु, किशोर और तरुण। सर ये कब आया था, तो 8 अप्रैल 2015 को आया था, इस साल 2023 में कितने साल कंप्लीट कर दिए, 9 साल कंप्लीट कर दिए, और आने वाले साथियों 8 अप्रैल 2024 को पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ये बात याद रखिए। अब देख लेते हैं जो न्यूज आज का आया था साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हाल ही में साथियों कितने करोड़ का रिकॉर्ड किया है, मैं बता दूं दिसंबर में 3 लाख करोड़ रुपए लोन क्या कर दिए गए, दिसंबर 2023 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथियों मैं आपको बता दूं हर साल दर कितने परसेंट से लोन बांटने में वृद्धि हो रही है, तो मैं कहूंगा आप सभी से ये डेटा याद करके रख लीजिए,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दर साल दर एयर ऑन एयर कितने परसेंट का ग्रोथ हो रहा है, 16% का ग्रोथ हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, इसमें 70% लगभग कौन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर मुद्रा योजना के तहत अभी जो हालिया का रिपोर्ट बताता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ले रही है। और उसमें भी साथियों 25% जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर उन्होंने पहली बार क्या साथियों, उन्होंने पहली बार लोन लिया है। कितने करोड़ लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, तो लगभग 40.82 करोड़ लोगों ने बच्चे लोन अकाउंट खुलवाया है मुद्रा योजना के तहत। और इन अकाउंटों में कितना लोन बांट दिया गया, 3,00,000 करोड़ लोन बांट दिया गया। सुनना, पूछा जाए एससी कोमा एसटी या ओबीसी, क्या साथियों ओबीसी माइनॉरिटी को कितना परसेंट इसमें शामिल है, तो 51% लोग कहां से जुड़े हुए हैं साथियों, याद रखना है एससी एसटी एंड ओबीसी माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे पुराना बैंक के तौर पे आप किसको देखते हो, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही बकवास टाइप का कहिए, और ऐसा पेपर आजकल आ रहा है तो नानी याद दिला देता है स्टूडेंट का। बताइए इनमें से कुछ मालूम नहीं, सीधे दे दिया है कि कौन सा, उसके लिए आपका बेसिक बैंकिंग बहुत मजबूत होना चाहिए तभी इसका जवाब दे पाएंगे, या तो तुक्केबाजी में सही हो गया तो बात अलग है। सर इनमें से कौन सा बैंक ऑप्शन के बिहाफ पे, लेकिन इलाहाबाद ऑप्शन इसमें है ही नहीं दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, इलाहाबाद बैंक है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इलाहाबाद बैंक को हम एज अ ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के तौर पे देखते हैं, हालांकि वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। सुनना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन के बिहाफ पे आप देखेंगे तो कैनरा बैंक सर कब आया, तो आपको मैं बता दूं 1906 में इसका जन्म हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के तहत। इसके जस्ट साल बाद, एक साल बाद इंडियन बैंक 1907 में जन्म हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा साथियों 1908 में जन्म हुआ। और आप ये भी जानते हैं भारत का पहला स्वदेशी बैंक के तौर पर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं, और ये कब आया था, 1911 में आया था। तो इस बिहाफ पे, इन ऑप्शनों के बिहाफ पे देखेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, कैनरा बैंक इन ऑप्शन के बिहाफ पे भारत का सबसे पुराना बैंक दिख रहा है। वैसे तो बिल्कुल सही है बैंकर, ओल्डेस्ट, जब भी सबसे पुराने बैंक, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम आता है तो इलाहाबाद बैंक का नाम याद आता है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल दिशा आप कह सकती हो, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों स्वदेशी बैंक। हाँ, हो सकता है कि यहां पे नॉन ऑफ दीज भी जाए, बिल्कुल नॉन ऑफ दीज भी जा सकता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में याद रखना पेपर सेट करने वालों ने क्या सोच के बनाया है क्वेश्चन, क्योंकि आप याद रखिए ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम है ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप क्या सोचते हैं वहां पे लिखना पड़ता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में याद रखो साथियों एग्जामिनर ने क्या सोच के आपका पेपर सेट किया है, उस सोच को कैच करके, आपको आंसर देना है। ये बात हमेशा कभी भी भूलिए नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज की बात करता हूं साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन, Which among the following is one of the first commercial bank established in India? भारत का पहला commercial bank बता देना साथियों, भारत का पहला bank, सुनना भारत का पहला bank बता दिए, भारत का first, पहला बच्चे first public sector bank भी बता दो, अगर पूछा जाए भारत का पहला भी bank बता दो, क्या payment bank बता दीजिए, भारत का पहला कोऑपरेटिव बैंक भी बता दो, और भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बता दो, भारत का पहला फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी बता दो, भारत का पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी बता दो, भारत का पहला मैनेज बाय इंडियन बैंक भी बता दीजिए, सभी बता दीजिए से
अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक है क्या इसमें? इसमें है क्या अवध कॉमर्शियल बैंक? कहां है? पहला बैंक बच्चे बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद होगा ना भाई? अरे बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो याद होगा ना, 1770 में, 1770 में भारत का पहला बैंक आया, तो भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक के तौर पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखते हो। भारत के पहले पब्लिक सेक्टर बैंक पे 1955 में कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक देखते हो। भारत का पहला कॉरपोरेटिव बैंक अनोन्या कॉरपोरेटिव बैंक बड़ोदरा में देखते हो। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे आप किसको बोलते हो? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोलते हो। भारत का पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। भारत का पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक, हाँ यस यस बैंकर बिल्कुल, अवध कॉमर्शियल बैंक ज्वाइंट स्टॉक और मैनेज बाय इंडियन। भारत का पहला बैंक जो किसी भारतीय के द्वारा मैनेज किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक बोलते हो साथियों। तो ये जवाब है बच्चे, आप सभी लोग याद करके रखिए, पूछा जा सकता है पेपर में और पूछा जाता रहा है। तो आज के लिए इतना ही, सफर रखते हैं दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो यार प्लीज अपने ग्रुप में एक बार लेक्चर को जरूर शेयर कर दिया करो। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ।